नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं इसकी तरफ से, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से ITI वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तो चलिए फिर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, ITI वाले छात्रों के लिए और डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9300 से अधिक पद होंगे ख़त्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मोहर, यानी MES मैस, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो ITI और डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी निकलती हैं, उनके लगभग 9300 से अधिक पद आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शेख ठक्कर की अगुवाई वाली कमेटी ने सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और खर्चों सीमित करने के लिए MES मैस के 9304 पदों को ख़त्म करने की सिफारिश की थी। अब जो MES का अधिकतर कार्य है वो आपका आउटसोर्सिंग से किया जाएगा, यानी आपका कंसल्टेंट के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। और आगे पढ़ते हैं। दिल्ली रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए MES के 9300 से अधिक पदों को ख़त्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है और इसको प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्चा को संतुलित करने के लिए बनाई गई लेफ्टिनेंट जनरल शेख ठक्कर समिति सिफारिश को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बेसिक और इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स के 9304 पद समाप्त कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अब तक जो ITI और डिप्लोमा से संबंधित इसमें वैकेंसी आती थी, लगभग वो आपकी समाप्त कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से इसका जो खर्चा होता है उसको संतुलन करने के लिए ये वैकेंसी आपकी समाप्त कर दी गई हैं और सारा कार्य आउटसोर्सिंग की मदद से किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको हरी झंडी भी दे दी है और जानते हैं, यानी आपकी MES क्या है। बता दें कि MES भारत के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भारत सरकारी रक्षा बुनियादी ढांचा विकास एजेंसियों में से एक है। यह मुख्य रूप से भारतीय सेनाओं, आयुर्विज्ञान कारखानों, DRDO और भारतीय तटरक्षक सहित भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों का प्रबंधन करती है। तो MES के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, लगभग ये सारी वैकेंसियां अब समाप्त कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।